हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सप्लोर रशिया विद डॉक्टर क्यूरी सीरीज में। अभी हम आए हैं उफा और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मॉन्यूमेंट स्टैचू है यहाँ पे, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से फिर हम जा रहे हैं दूसरी सिटी में, वो भी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, फर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। इस व्लॉग में ये एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग नहीं होने वाला है, एक जस्ट नॉर्मल व्लॉग होगा कि कैसे हम ट्रैवल करते हैं, रास्ता यहाँ पे कैसे जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, आप बाय ट्रेन भी यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, बाय फ्लाइट भी आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, बट मैं पर्सनली पसंद करता हूँ बाय गाड़ी यहाँ से जाना। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पेट्रोल डलवाने के लिए मशीन वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे खुद डालना पड़ता है। कई जगह पेट्रोल पंप पे होते भी हैं हेल्पर्स भी, जैसे ये 92 है, ये 92 है, ये 95 है, तो मतलब जो अच्छी क्वालिटी वाला है वो 95 होता है ये, और थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला होता है 92 होता है। और डीजल और पेट्रोल का डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार डीजल डाल लेते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पेट्रोल पंप के साथ साथ यहाँ पे ना खाने वगैरह का रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, और छोटी सी मिनी मार्केट टाइप भी होती है जहाँ पे आप कुछ बिस्किट्स नमकीन वगैरह ले सकते हो। हर एक पेट्रोल पंप पे आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रोसरी स्टोर ज़रूर मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे रशिया में लगती है, इंडिया में भी होना चाहिए, अब तो होने भी लगा थोड़ा बहुत धीरे धीरे, बट यहाँ पे हर एक पेट्रोल पंप पे बहुत पहले से ही चलता रहा और अब तो और ज़्यादा एडवांस लेवल का हो गया। हमें तो वैसे कुछ खाना नहीं है, बिकॉज हम पहुंचने वाले हैं, घर पहुंच के ही खाएंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूं कि आप यहां से भी कुछ ले सकते हो। अगर आपको रास्ते में भूख लग जाए और आपका डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर हो तो आप यहां से भी ले सकते हो। रशिया में हैं जो ट्रैवल करते हैं बाय रोड, या फिर जो बच्चे आने का सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का और उनको शौक है उनको ट्रैवल करने का बाय रोड, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि यहाँ पे कैसे पेट्रोल का क्या होता है। वो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए और कभी भी आप ट्रैवल करो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरीके की। यहाँ पे पेट्रोल की भी जैसे दो चीज़ें होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल को यहाँ पे बेंजीन बोलते हैं, और जैसे उसमें वेरिएशंस होती हैं, जैसे 92 और 95 नंबर होते हैं, ये 92 या 95। जो 92 होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, और जो 95 होता है वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है। 95 सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का यहाँ पे पेट्रोल होता है, और डीजल अगर किसी गाड़ी में डीजल डलता है तो वो दाता के नाम से होता है DT, तो वो डीजल होता है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपकी गाड़ी कौन सी, मतलब डीजल है या पेट्रोल है, बिकॉज मोस्टली गाड़ी जो यहाँ पे होती है वो पेट्रोल की होती हैं, और उनमें या तो 92 डलवाते हैं लोग या 95 डलवाते हैं। बेसिकली यहाँ पे ट्रैवल करने में कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम आती नहीं है अगर आप रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। थोड़ा बहुत जो खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ सकती है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो रास्ते में, अगर आप स्टे कर रहे हो तो दो तीन ऑप्शंस आपके पास होती हैं स्टे करने के लिए रात को, या तो आप हॉस्टल ले सकते हो। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए
देगी हॉस्टल ले लो, आपको 300 400 500 रुपए तक पर डे के हिसाब से आपको हॉस्टल मिल जाएगा, और उसमें इवन आप किचन भी अवेलेबल होता है, आप वहाँ पे कुक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप 4-5 लोग हो साथ में ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अपार्टमेंट ले सकते हो जो कि यहाँ पे इजीली रेंट पे मिल जाता है। एक अभी तो नाम की ऐप आती है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं इजीली। जो रेंट होता है अपार्टमेंट का मेनली 1500 से स्टार्टिंग है, 1500 2000 2500 तक के अपार्टमेंट, अच्छे अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें 3-4 लोग आराम से रह सके। ये चीज़ें होती हैं। अगर आप अपार्टमेंट भी बुक नहीं करना चाहते तो होटल्स तो अवेलेबल होते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। डिफरेंस ये आ जाता है कि जैसे आप अपार्टमेंट लेते हो तो आप वहाँ पे खुद कुक कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको खाना है वो कुक कर सकते हो। और लेकिन होटल में आपको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, होटल में आपको बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रास्ते में, जब भी कोई बच्चे ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, जो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि रास्ते में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम मिलती है। आपको जो नॉर्मल है, जो नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, उनको तो कुछ भी मिल जाएगा, बर्गर वगैरह मिल जाएंगे। बट जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि या तो आप खुद घर से कुक करके लेके आओ, या जहाँ पे भी अपार्टमेंट में जहाँ भी रुके हो वहाँ से आप कुक करके आओ, या फिर आप रास्ते में जो भी जैसे स्थलवाया टाइप होते हैं, स्थलवाया में बेसिकली स्थलवाया एक तरह से जैसे अपने इंडिया में ढाबे होते हैं ऐसे ही होता है, उसमें सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं कुछ जो ऑलरेडी रेडी होते हैं लेकिन फ्रेश होता है। उसमें ये नहीं है कि आपको कोई पुराना खाना नहीं देंगे, वो फ्रेश खाना ही देंगे। उसमें आप वेजिटेरियन में जो है आलू की प्यूरी वगैरह होती है, आप मैक्रोनी वगैरह ले सकते हो, राइस ले सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctors Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable at one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctors Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Dr. Square.